भाई एपिसोड नंबर 4 कार्स ऑन द रोड का, उसका आज मैं रिव्यू करूंगा, जिसका नाम है, एक मिनट थोड़ा सा कैमरा सही। हाँ तो कहते हैं एपिसोड 4 द लेजेंड, जिसका नाम है कार्स ऑन द रोड का, उसका आज मैं रिव्यू करूंगा। तो भाई कहते हैं एपिसोड शुरू होता है कि मैकक्वीन और मेटर एक कैंप लगाने जाते हैं। भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इस मैकक्वीन, लाइटनिंग मैकक्वीन ने अपने टायरों से आग कैसे लगा ली? क्या कहते हैं, क्या इनके अंदर कहते हैं गाड़ियों के अंदर कोई इंसान होते जो अपने कहते हैं नीचे से हाथ, जो कहते हैं अपने इनके कहते हैं विंडो से हाथ निकालते हैं और वो आग जलाते हैं? भाई क्या चल रहा है इधर, कैसे आग लगा ली इसने? ये एपिसोड बहुत क्रेजी है और इसने एपिसोड ने बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत सारे। तो फिर बाद में क्या कहते हैं मेट्रो कह रहा था कहीं और होता है, वो किसी से बात कर रहा होता है, जो कि होते हैं तीन गाड़ियाँ, एक होती है आरवी और एक होती है लैंड रोवर और एक पुरानी कार ही होती है जिसका नाम मुझे पता नहीं है। वो तीनों होते हैं क्रिप्टिड हंटर्स। तो भाई क्या कहते हैं वो दिखाते हैं लाइटनिंग मैकक्वीन को कि भाई देख इधर, माँ हमने बिगफुट को हंट किया। मैकक्वीन बोलता है ये क्या है, ये क्या चीज़ है? वो उधर यहाँ से कहते निकलने की कोशिश करता है, लेकिन मेट्रो बोलता है भाई हमने इनको, मैंने तो इनको बोल दिया कि हम दोनों साथ आ रहे हैं। उधर बेचारे मैकक्वीन पे सैड म्यूजिक लगाना चाहता था लेकिन कॉपीराइट का मसला आ जाएगा ना। तो फिर ये लोग क्या कहते हैं हंटिंग करने जा रहे होते हैं बिगफुट की, और मेटर और मैकक्वीन को बिल्कुल न्यू किट्स के साथ, जो मैकक्वीन है उसका फुल पेंट जो वैसे ही है और लोगो बना हुआ है क्रिप्टिड हंटर्स का और ऊपर लाइट पेंटेड हुई है रेड स्पेशली, और मेटर की क्या कहते हैं मेरे ख्याल से ब्राउन हुई है क्योंकि कहते हैं उसका कलर तो ब्राउन ही है, रस्टी है, कैसे पता चलेगा भाई ब्राउन है या रस्टी है? हाँ तो फिर बाद में क्या कहते हैं मेटर को कुछ टूल्स भी दिए हुए होते हैं। भाई मेटर किसी का क्या कहते हैं किसी को किल करने जा रहा है, किसी को मारने जा रहा है, जो उसको इतने सारे टूल्स दे दिए उठा के, बिगफुट को हंट करना है हाँ पता है। एक मिनट, लोग तो बिगफुट को हंट नहीं करेंगे, ये तो बस लोगों को दिखाएंगे भाई हमने बिगफुट ढूंढ लिया। फिर बाद में ये क्या है तो मैकक्वीन बोलता है भाई बिगफुट ना ये रियल नहीं है, ये एक थ्योरी है। बाद में उधर क्या आता है आवाज़ आती है दरख्तों की, हाँ दरख्त कह रहे थे ऐसे कह रहे थे आवाज़ कर रहे होते हैं छी 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 करके तो फल। हाँ तो फिर क्या था बाद में से उधर एक ब्लैक कलर का मॉन्स्टर ट्रक निकलता है। भाई मैकक्वीन उधर से सीधा निकलने की कोशिश करता है, उसकी लाइटें उधर ही टूट के गिर जाती हैं, फिर उसको कुछ नज़र नहीं आता, वो मॉन्स्टर ट्रक उसके सामने ही खड़ा हुआ होता है। फिर बाद में वो पीछे जाता है, उधर एक दरख्त होता है वहाँ पर ये क्रैश हो जाता है, फिर वो खड़ा होता है और देखता है भाई, फिर वो क्या लटका हुआ होता है, कैसे ये मॉन्स्टर ट्रक इसको कैसे लटका सकता है? भाई मॉन्स्टर ट्रक नहीं मेरे ख्याल से बिगफुट, बिगफुट कहेंगे ना क्योंकि वो है ही बिगफुट, लेकिन जब हम देखते हैं तो वो बिगफुट नहीं होता, वो एक मॉन्स्टर ट्रक होती है। वो बोलती है भाई मेरा नाम है आईवी, कैसे? क्योंकि वो आईवी पे कवर्ड है। बहुत ही ठंडा जोक मारा इसने। हाँ तो फिर बाद में क्या था मैकक्वीन बोलता है भाई मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल आया, भाई इसने मैकक्वीन को लटका कैसे दिया, इसके भाई हाथ हैं क्या, ये कैसे लटका लेते हैं? और जो कहता है मैकक्वीन अपनी आंखें खोलते तो वह डांस भी कर रही होती है। वाह भाई कुछ भी चल रहा है इस एपिसोड में, कुछ भी। तो फिर बाद में क्या होता है मेटर क्या होता है सब कुछ ख़राब करने के लिए आ जाता है। मेटर बोलता है भाई हमने तुम्हें पकड़ लिया है क्रिप्टिड बस्टर्स ने। बाद में मेटर भी उधर लटक जाता है। फिर बाद में वो बोलता है भाई मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। फिर बाद में आई भी बोलती है मैं तुम दोनों को छोड़ दूँगी, लेकिन तुम दोनों उनके साथ कर रहे क्या हो, उन गैस कैप्स के साथ, वो बोलती है। फिर बाद में ये लोग नीचे बेसमेंट में जाते हैं इसके, उधर मेटर एक कुछ वायर से फंस जाता है। फिर बाद में क्या कहते हैं इन दोनों का आइडिया आता है मैकक्वीन और आईवी को कि भाई इनको डराने के लिए कुछ कर। फिर बाद में आईवी कहते हैं ये तीनों जा रहे होते हैं क्रिप्टेड हंटर्स। तो फिर बाद में इनको लाइट नज़र आती है, वो बोलती है अबे भाई बिगफुट को छोड़ो,
एलियंस के हम लोग क्या है तो फोटो लेंगे और सारी दुनिया को दिखाएंगे। तो फिर बाद में क्या है ये लोग जाते हैं उधर ही पता चलता है भाई ये तो ट्रैप है, उनको थोड़ी पता चलता है। उधर क्या है ये लोग खड़े होते हैं वो भी ऐसे ही कहते हैं लटके हुए ही होते हैं रस्सी से। फिर बाद में उधर कहते हैं मकवीन ने कहते हैं घोस्ट जैसा गेटअप किया हुआ होता है। और उधर कहते हैं आईवी वो टम्बलर ड्रायर से ऐसे चिपकी हुई कहते हैं चिपकी हुई होती है क्योंकि लगे कि भाई ये कोई कहते हैं क्वीन है कोई ऐसी कोई क्रीचर है। तो फिर बाद में उधर बेटा एक्टिंग कर रहा होता है जैसे इसको किसी ने मार दिया ऐसे। तो फिर भाई वो देख के उधर डर जाता है। उधर ये आते हैं इनको फ्री कर देते हैं। फिर बाद में आईवी बोलती है कि तुम में से अब कौन आना चाहेगा वो निकल गए बस। फिर बाद में अब बोलते हैं भाई हम लोग कभी नहीं आएंगे यहाँ पर, कहाँ कहीं भी चले जाए लेकिन यहाँ पर नहीं आएंगे। फिर बाद में वो बोलती है भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुमने मेरी मदद की। फिर बाद में मकवीन और मेटर जा रहे होते हैं और यही क्लिप हमें ट्रेलर में दिखता है जब मकवीन और मेटर जा रहे होते हैं एकदम से आईवी आ जाती है। पहली दफ़ा जब मैंने देखा भाई इन दोनों का रिएक्शन तो ऐसे ही है नॉर्मल जैसे ये इनकी बहुत अच्छी दोस्त है। अब पता चला है कि ये कहते डरेगी आईवी को देख के ट्रेलर के क्लिप में जब वो आईवी ऐसे एंटर होती है तब ये क्यों नहीं डरती अब पता चल गया। तो फिर कहते हैं ये बोलती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो वो भी उनके साथ चली जाती है। उधर इतनी गंदी आईवी कहते हैं मेटर की आंखों में लग जाती है। फिर बाद में ये कहते हैं कार वॉश हो के भाई पता चलता है ये तो बहुत अच्छी मोस्टर ट्रक थी। तो फिर कहता है मैं दिखाती और इसकी ओरिजिन स्टोरी भी होती है वो मैं बताना भूल गया आपको भाई। इसकी ओरिजिन स्टोरी में वो बताती है कि मैं एक मोस्टर ट्रक थी। तो फिर बाद में वो फ्लैशबैक हो जाता है कि वो कहते हैं जंप करने वाली होती है और सारे जो कार्स होते हैं जिनसे वो जंप करने वाली होती है वो सारे थंडर आलू के कार्स होते हैं। इनमें से एक कार होती है जिसकी कहते हैं सारी डिटेल्स वैसे ही होती हैं नॉर्मली होती है, बाकी सारी कार्स की डिटेल्स हटाए दी जाती हैं ताकि ये नोटिस ना कर सके फैंस कार्स तरीके के भाई ये कहते हैं वो है थंडर आलू के रेसर्स। तो फिर बाद में वो छोटी सी कार भी क्रैश कर जाती है तो उधर ही सब कुछ ब्लैक हो जाता है। बाद में वो फिर से बाहर कार वॉश निकलती है तो फिर कहते हैं मीटर भी उसके साथ ही होता है। पहले क्या है ताई भी आती है फिर वो बोलती है भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाद में क्या है मीटर और मीटर भी बाहर निकलता है और बोलता है भाई मुझे देखो कैसा लग रहा है। मीटर वैसे का वैसे ही है भाई जितना मीटर को जितना भी रगड़ रगड़ के क्या है वॉश कर दो लेकिन मीटर वैसे का वैसे ही रहेगा बिल्कुल रस्टी ओल्ड। लेकिन फिर भी वो मकवीन का दोस्त है और मकवीन भी कहता है एक छोटा सा जोक दे देता है कैन मिस परफेक्शन क्योंकि अगर उसने सच बोल दिया उसका दो उसके दोस्त को तो बहुत बहुत बुरा लगेगा। तो भाई बस इतना ही था ये रिव्यू। अब अगला रिव्यू मैं करूँगा शो टाइम पे एपिसोड नंबर 5 शो टाइम तो उसमें भी करूँगा कल या फिर आज कभी भी कर सकता हूँ। तो फिर अब कहते हैं अगले कहते हैं आज ही थोड़ी देर गया तो 2 घंटे बाद कहते हैं मैं अपलोड करूँगा कार शॉर्ट स्टोरीज़ का दूसरा एपिसोड तो वो भी आप देखिएगा। बस और क्या कह सकता हूँ लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और रेसिंग 395 साइनिंग।